हमारे लिए दो ड्रिंक्स लेकर आ जाओ। नैना अगर तुम कहो तो इस शोर से कहीं दूर चलते हैं। क्या, कहाँ है वो, कहाँ है वो, मुझे छुपा दो कहीं। क्या कर रही हो नैना, कौन है यहाँ? तुमने ही तो कहा है कि वो यहाँ आ गया। नहीं यार, मैं कह रही थी इस शोर से कहीं दूर चलते हैं वरना हम बहरे हो जाएंगे। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं भी कई ऐसी जगहों पर तुम्हारे साथ चली हूँ, आज हम यहीं रहेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करेंगे हम। वादा करो। नहीं करूंगी यार, मैं वादा करती हूँ तुमसे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बाहर ले जाकर उसी शख्स के बारे में बात करोगी, इसलिए हम यहीं रुकेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, समझ गई तुम? बहरे हो जाएंगे हम। यार ज़ैनब, जब तुम जानती हो कि मैं उस शख्स के बारे में बात नहीं करना चाहती तो तुम मेरी बात गौर से क्यों नहीं सुन रही हो? सुन लिया है यार, उसके बारे में बात नहीं कर रही मैं तुमसे। अगर तुम्हें उसी शख्स के बारे में बात करनी है तो तुम रेस्ट रूम चली जाओ, शीशे के सामने खड़े के जितनी बातें करनी है करो, मैं बीच में नहीं आऊंगी। सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मैं कह रही हूँ रेस्ट रूम चली जाओ और वहाँ जाके बात करो। क्या? रेस्ट रूम चली जाओ, रेस्ट रूम। क्या हो गया नैना, थोड़ा आराम से। देखो यार, मैं यहाँ सिनान से जुड़ी सारी यादों को भुलाने आई हूँ और ये ब्रेकअप पार्टी है, तो आज पूरी रात हम मजे करेंगे और खाएंगे पिएंगे। फाजिल और मैं एक साथ काम करते थे, वो एक अच्छा डॉक्टर था। एक दिन हम एक मरीज को देखने जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम दोनों को काफी चोटें हैं, लेकिन फाजिल का काफी ज्यादा खून बह रहा था और मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शायद वो समझ गया था कि वो मरने वाला है, इसलिए उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उसकी बीवी और बच्चे का ख्याल रखूंगा हमेशा। बस उस दिन से आज तक मैं सिर्फ वो वादा निभाने की कोशिश करते आया हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वाकई सिनान, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मगर यानी नैना तुमसे इतनी नाराज क्यों है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे ये सब पता नहीं है, बस इसीलिए मैं उसे बताने ही वाला था। यार लड़कियां तो पागल ही हो जाती हैं, अगर उनसे कोई बात छुपाई जाए तो। मुझे क्या पता था कि उसे ये सब कुछ इस तरह पता चलेगा। वो नैना है, तुम तो जानते हो उसे, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है यार, कुछ भी। चलो ठीक है ज़ैनब, तुम्हें जिस मसले पर बात करनी है करो, मैं सुन रही हूँ। किस मसले की बात कर रही हो? वही मसला जिस पर तुम सुबह से बात करना चाह रही हो मुझसे। हाँ, तुमने तो कहा था उसका नाम मत लेना मेरे सामने। हाँ तो नाम लेने से मना किया था, लेकिन उसके बारे में बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। मेरा मतलब यह है कि हम उसका नाम ना भी लें लेकिन उसके बारे में बात तो कर ही सकते हैं, इसमें हर्जी क्या है? ठीक है नाना, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ ज़ैनब, आज उसने मुझसे क्या कहा क्या जानती हो तुम? क्या कहा? मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, और ना बताने की वजह यह है कि तुम अजीब बर्ताव करती, हर चीज का कसूरवार मुझे ठहरा रहा है यार। हाँ यार, मेरा उसे ना बताना गलत था, जानता हूँ मैंने सही नहीं किया बिल्कुल भी, और मैंने कभी इनकार नहीं किया इस बात से, मगर वो ऐसे रिएक्ट करती जैसे मैंने उसे धोखा दिया हो यार। मैं बस चाहता हूँ कम अज कम वो एक बार मेरी बात तो सुन ले, लेकिन उसे तो मेरी कोई सुननी ही नहीं। और पता है इसकी वजह क्या है? बहुत आसान है ना, मुझे कसूरवार ठहरा दो, हो गई बात खत्म। अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था, मुझे तो धोखा दिया है, मगर ज़ैनब उस औरत के साथ साथ उस बच्चे को भी धोखा दे रहा है। अब तुम खुद ही बताओ कि मैं किसी के साथ इतना बुरा होते हुए कैसे देख सकती हूँ यार ज़ैनब। इस बारे में अब मैं क्या कहूँ तुमसे? हेलो ज़ैनब, मैं बारिस, कैसी हो? मुझे तो किसी ने मैसेज नहीं किया। इतनी सी बात वो समझती नहीं और कहती है मुझसे प्यार करती है। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे लगता है वो बहुत उदास है, तुमसे बहुत प्यार करती है ना, बस इसीलिए। मुझे बस थोड़ा वक्त दो, इन सारी चीजों के बाद तो मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया, समझ ही नहीं आता कि क्या करूं, और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है, पागल हो गया हूँ मैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे, बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा मुझे, आखिर एक औरत के साथ सिनान इतना बुरा कैसे कर सकता है। अच्छा हुआ कि शादी होने से पहले उसकी असलियत सामने आ गई मेरे, और मैं पागल, मैं ये समझती थी कि सिनान मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो तो मोहब्बत के नाम पे धोखा दे रहा था। क्या कर रही हो तुम? मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर हूँ, मजे कर रही हूँ। ये नहीं बताती वरना वो कहेगा कि तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो। कह देती हूँ घर में टीवी देख रही हूँ। हद है यार, मुझे भी उसकी प्यार भरी बातों में नहीं आना चाहिए था, पागल थी मैं। तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? सुन रही हूँ। क्या सुन रही हो? जब से आई हो फोन पर लगी हुई हो, रख भी दो यार फोन। सिर्फ एक सेकंड,
जैनब, मैंने कहा नीचे रखो इसे। ठीक है। और इतने शोर में तुम्हें आखिर मैसेज की आवाज़ कैसे आ सकती है? क्योंकि वाइब्रेशन पर होता है मेरा फोन। अब फोन को बिल्कुल हाथ मत लगाना, सिर्फ मेरी बात सुनना तुम। मैं यही कह रही थी कि उस शख्स पे मैंने इतना भरोसा किया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? मैं उससे अपनी छोटी से छोटी चीज शेयर किया करती थी और उसने मुझे कभी अपना माजी नहीं बताया, बल्कि छुपाया मुझसे। लेकिन मैं ही बेवकूफ थी, मुझे समझ जाना चाहिए था। यूँ अचानक गायब हो जाना, और जब मैं उससे ये पूछती थी कि कहाँ हो, तो कहता था कि मैं अपने दोस्त के पास हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि वो किस दोस्त की बात करता था। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, बच्चों की तरह, और सिर्फ इसलिए कि वो मुझे खाने को लेकर हमेशा तंग करती थी। देखो तो यार, कितना झूठ बोल रही है। यार उजैर, इसमें झूठ बोलने की बात कहाँ से आ गई? ये सब तो मैंने इसलिए किया कि उसे अच्छा लगे। माफ करना, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। तो फिर किससे बात कर रहे थे? हद करते हो यार उजैर, मुझे लग रहा है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम टपर 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 फोन में लगे हो यार, कसम से। एक मिनट बस तुम यही रहना, मैं बस थोड़ी देर में आया। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वापस आने की, जाओ और अपने फोन में लगे रहो, अजीब इंसान। हाँ जैनब, अब मुझे पता चला कि वो मुझे क्यों कहता था कि तुम्हारा वजन बढ़ गया है, क्योंकि उसे तो दुबली पतली लड़कियाँ पसंद है, जैसे कि सीमा है, हवा चले तो उड़ जाए। हाँ बारिस की कॉल, अगर कॉल अटेंड की तो वो जान जाएगा कि मैंने उससे झूठ बोला है। वो शख्स झूठा है, कई झूठ बोले उसने मुझसे। नैना, मैं बस अभी थोड़ी देर में आई। कहाँ जा रही हो तुम यार? यार बस दो मिनट चाहिए मुझे। नैना, मैं तुमसे यहाँ कितनी जरूरी बात कर रही हूँ और तुम जा रही हो? मुझे तुम अपने साथ लेकर आने नहीं चाहिए था, देखो चली गई। अब किसको बताऊँ मैं अपनी कहानी? हाय बारिस, तुम अचानक किस तरह चले गए, मिलने का मौका ही नहीं मिला हमें। जरूरी काम से जाना था, और वैसे भी इस्तांबुल मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। क्यों यार? बुरा मत मानना। वैसे इस वक्त तुम हो कहाँ पर? तुम कहीं बाहर निकली हुई हो क्या? बहुत शोर की आवाज आ रही। नहीं तो वो मैं अपनी बैल्कनी में खड़ी हूँ, इसलिए शायद तुम्हें बाहर का शोर सुनाई दे रहा है। अच्छा, वाकई सच बोल रही हो? तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत भरोसा करता हूँ। चलो ठीक है, हम फिर बाद में मिलते हैं। क्या क्या वाकई में? मैं इस वक्त अपने दोस्तों के साथ बाहर हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है। क्या बात है, ये कितना झूठ बोल रही है मुझसे यार। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सिनान, उठो यहाँ से, हम जा रहे हैं। चलो। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया अचानक तुम्हें? यार सिनान, उठो, हम कहीं और चलते हैं। यार उजैर, क्या हो गया तुम्हें, हम ठीक तो हैं यहाँ। उजैर, यहाँ बैठने में क्या हर्ज है? उस्मान खामोश हो जाए, यहाँ मसला हो गया। क्या मसला? सरप्राइज है। चलो उठो, दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। चलो सी यू। सी यू। लेकिन मैं सिनान के साथ गुजरा हुआ हर लम्हा बहुत मिस करती हूँ। जानती हो तुम, अगर उसे मालूम होता कि मैं यहाँ पर हूँ, तो फौरन आ जाता मेरे पास और मुझे यहाँ से ले जाता, क्योंकि शोर शराबा उसे पसंद नहीं। ये बताओ तुम क्या करोगी अगर वो तुम्हें यहाँ दिख गया? किसे? वही, जानती हो तुम उसे। अच्छा वो शख्स ज़ैनब, क्या करना है मुझे? बस कुछ नहीं, यूं ही एंजॉय करती रहूंगी, क्योंकि अब उसका कोई हक नहीं बनता कि मुझे यहाँ से ले जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी दोस्त होकर मुझे इस तरह फंसा सकती हो। क्या कह रही हो तुम, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने ही किया ही है। सुनो, अगर वो मेरा पूछे तो कह देना मैं यहाँ नहीं हूँ और ना ही तुमने मुझे यहाँ देखा है। ठीक है यार, रुके रुके एक मिनट, ये बताए पीछे से कोई रास्ता है जाने का? कहीं पुलिस की वजह से तो नहीं पूछ रही आप? हद है, जिसका पूछा उसका जवाब दो मुझे तुम। यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो रास्ता कहाँ है? वहाँ सामने है। हाँ, शुक्रिया आपका। अच्छा तो ये है तुम्हारा सरप्राइज? हाँ, जा रहा हूँ मैं यहाँ। यार रुको सिनान, कहाँ जा रहे हो? वो हमें देख चुके हैं। अच्छा तो मुझे देखकर इस तरह छुपने की क्या जरूरत है? हाँ अभी बताता हूँ मैं इसे। आओ जरा तुम मेरे साथ, जल्दी आओ। ज़ैनब कहाँ गई है? नैना मुझे नहीं पता सिनान, मैं जाकर देखती हूँ उसे। देख लिया तुमने, मजे कर रहे हैं ये लोग यहाँ। हम भी तो मजे कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम कर रहे हो ये सब कुछ?